क्या करेंगी आप? एक बार वो काम मैं करूंगी, फिर बार बार आप करेंगे क्या? लेकिन आप ये साबित कर सकती हैं कि ये जो प्लेयर आपने बताए हैं तो ये और लड़कियों के साथ भी कर रहे हैं? विदाउट प्रूफ तो कोई बात नहीं होती ना, और एविडेंस नहीं हुआ तो फिर बहुत बेइज्जती होगी। दस सेकंड हो गए। आपने क्यों बोला 10 और सेकंड होंगे? चलो मैं ऐसा डेयर कर सकती हूँ जो आपके शो में कभी किसी ने नहीं। क्या ऐसा क्या होगा जो कभी भी नहीं हुआ होगा? आप बेड मंगा दो। बिस्तर? जी बिस्तर, बिस्तर लगवाओ यहाँ। अगर आपका किसी भी वजह से मूड ऑफ है तो फिर आप ऑडिशन मत लो। करें इजाजत है? जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान के शहर कराची, हैदराबाद, लाड़काना, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और क्वेटा के अलावा हांगकांग, कोलंबो, यूएसए और यूएई से बोल को मौसूल हुई वीडियो प्रोफाइल। मुझे एडवेंचर का भी बहुत शौक है। दो ऐसी लेक्स पे गया हूँ जिधर 4 साल के बाद मतलब कोई पहला ट्रैकर गया। इस बार टैलेंट में एंकर बनो और पाकिस्तान के लिए कुछ करो। मैंने आज तक कभी कोई डेयर किया नहीं है लेकिन करने की पूरी हिम्मत रखती। मैं दिखा सकता हूँ कि मैं हिम्मत वाला हूँ। सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग। मैंने आंसू लेक की हाइकिंग की है। मैं डेयरिंग हूँ। मैं वो चैंपियन हूँ जो कोई लड़का भी नहीं हरा सके। 13,427 वीडियो प्रोफाइल्स में से 2,417 कंटेस्टेंट्स को कॉन्फिडेंस के बिना पर सेलेक्ट किया गया और इन्हें बुलाया गया बोल हेडक्वार्टर्स कराची। मैं करप से ताल्लुक रखती हूँ। मेरा नाम आमिर सियाल है। अभी मैं जा रहा हूँ कराची के लिए लाखाना से। आप सबकी दुआएं चाहिए वहाँ में मुझे सिलेक्ट होने के लिए। दिस इज मी हरीम शाह और मैं जा रही हूँ वकार चक्कर के शो में बोल चैंपियन में। लेट्स सी देखें सिलेक्शन होती है या नहीं, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं। मेरा नाम इंतखाब खान है और मैं क्वेटा से हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं जीत कर आऊंगा इस चैंपियन को। इस वक्त मैं हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ और अभी थोड़ी देर में ये फ्लाइट है थाई एयरवेज से, फिर बैंकॉक जाऊंगी और बैंकॉक से कराची। मैं फाइनली प्लेन में बैठ गई और मैं वकार चक्कर के शो में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बात ये, मैं अभी पिशावर स्टेशन में खड़ा हूँ, रेलवे स्टेशन पे सदर कैंट में, और 10 बजे मेरी ट्रेन है। अभी मैं चलता हूँ, अपनी बस में बैठता हूँ और आपसे कराची में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप लोगों की नेक तमन्ना है और दुआएं साथ रही तो इंशाल्लाह टाइटल भी मैं ही जीत के आऊंगा। वो खैर होगी, आ रहे हैं ऐसे भी। लेकिन जो पंगा ले फिर उसको सीधा बिल्कुल करना भी जानता हूँ। आ रहे हैं बेटा, वार्निंग होगी सारे अनुसार। देखिए क्या होता है वहाँ पर, वो क्या चैलेंज देते हैं, लेकिन हम जा रहे हैं। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, चैंपियंस का जुनून सर चढ़कर बोल रहा था। बैठेंगे डियर करूंगा, जो भी करेंगे मैं ही जीत के जाऊंगा। ये सारे फालतू लोग हैं। ऑडिशंस में आने के बाद सबसे पहले कंटेस्टेंट ने अपना इंट्रोडक्शन नहायत दिलचस्प और मुनफरिद अंदाज में पेश करना था। सलाम अलैकुम वकार भाई। हैदर अली नाम है मेरा और मैं दीपालपुर से आया हूँ। मेरा नाम अबिया फातिमा है और मैं कराची से ताल्लुक रखती हूँ। डिस्ट्रिक्ट बदीन से आया हूँ। मैं दीपालपुर से हूँ। आई केम फ्रॉम दुबई। ओए नवाया सोनिया। सलाम अलैकुम।
इस गंजे ब्लॉक की शादी आई है, हम क्या यहाँ पकौड़े खा लेंगे? सिर्फ दोस्त के कहने के ऊपर 3 मंजिल अचल से चलांग मार। I can sing, I can dance, I can act। मुझे बड़े बड़े भाषण देने की आदत नहीं, मैं बोलने से ज्यादा करने पे जोर रखता हूँ। मजाक कर या बर्दाश्त कर, मौत का दीदार कर, कौन कहता है मैं मर जाऊंगा, मैं तो ड्राइवर हूँ कट मार के। कि जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं, उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि लड़कियां कमजोर नहीं होती। कि वकार भाई अगर बोलेंगे तो मैं जिंदा शाम को खाल उतार दूंगा अपने दांत से। मैं इंशाल्लाह जीत के जाऊंगा या फिर किसी को जीतने नहीं दूंगा। आप सब लोग ऑडिशन देने आयो भाई, आपका भाई जीतने आया। रही बात डेयरिंग की तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आर्मी ट्रेंड हूँ। अब यहाँ पे आए तो हारने का कोई सवाल नहीं है। कराची वाले तो बताएं वो कैसे होते हैं, बनी तो बनी वरना अब्दुल गनी। मैं दूंगा एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। अगले मरहले में होने जा रहा था स्ट्रेस टेस्ट। सामना था ऐसे शख्स का जिसने मुश्किल वक्त में सीरिया और बर्मा जाकर वीडियोस बनाई और हिम्मत करके उन लोगों की मदद भी की। उसी हिम्मत से शुरुआत की इस जुनून की पाकिस्तान में रियलिटी शोज का ट्रेंड सेट करने वाले डेयर डेविल वकार ज़का। तो तैयारी करके आए हो तुम लोग सब? अब खामोश। इस शो में आने से पहले आराम से समझ लो कि ना मैं इस शो का होस्ट हूं, ना मैं जज। इस जगह का, इस शो का सिर्फ एक किंग है और वो मैं हूं। दुनिया में तुम्हें रूल्स फॉलो करने के लिए कहा जाता है, यहां रूल्स मुझे फॉलो करते हैं। कानून मैं हूं, तो जो मैं बोलूं वो करना है, अगर नहीं तो उठ के निकलना है। ये बात याद रखो, जो भी कुछ सोच के आए हो ना वो सोच खत्म। चैंपियन बनने के लिए एक ही चीज चाहिए मुझे, तुम्हारी पर्सनैलिटी में दम। इस शो को बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि वो लोग जो समझते हैं कि उनकी दुनिया फैन बन सकती है, दुनिया उनके लिए तालियां बजाएगी, सिर्फ वो आएंगे। और यहाँ आने के लिए अगर तुमने मुझसे ये पूछा ऑडिशन में कि आप बताएं, हम खुद सोच के नहीं आए, उठा के बाहर। वो लोग चाहिए जो बताना चाहते हैं कि रियलिटी में वो क्या है। अगर तुम लोग अपनी असलियत नहीं बताना चाहते, सच नहीं बोलना चाहते, या तुम्हें लगता है सच बोलने की वजह से तुम्हारे घर वालों को कोई मसला होगा, दुनिया का सोशल प्रेशर तुम नहीं ले सकोगे, उठो और निकलो। रियलिटी शो का मतलब ये होता है कि जो हो सच्चाई से बताओ, वो अपना डार्केस्ट से डार्केस्ट सीक्रेट खुलेआम सबको आके बताओ। झूठ और फेक लोगों की गुंजाइश नहीं। चैंपियन बनने के लिए, बोल हाउस तक पहुंचने के लिए, 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए, सबसे पहले तुम्हें वकार ज़का को फेस करना है। और ये सोच लो, जीत चाहिए या भीख। अस्सलाम वालेकुम कार भाई। वालेकुम सलाम। शाहजेब लियाकतपुर का है? ये डिस्ट्रिक्ट रहीमियर खान पंजाब। क्यों आए शो में? एक्टिंग सर, एक्टिंग करनी। करो, अब मौका है तो करना भाई। कैसी एक्टिंग करता है, रोमांटिक करता है या कैसी एक्टिंग पसंद है? विलन। विलन थे कर कुछ वहीं से बैठे बैठे। जी सर, मुझे इस शो में काम करना है सर।
और मैं यहाँ चैंपियन बन के जाऊंगा और आगे विलन बनूंगा सर। प्लानिंग क्या है, मशहूर होना है ना जिंदगी में? जी सर। मशहूर होना है, लोग पहचाने, ऑटोग्राफ हो, लियाकतपुर में जाए, बोले भाई एक विलन हमारा यहाँ से बना है, यही है ना? जी सर। तो इसके लिए भाई करना क्या है आगे? सर इस शो का फॉर्मेट आपको पढ़ा था ना, तो उस हिसाब से मैं बाहर में क्या फॉर्मेट यार, तो जी सर उसकी तैयारी नहीं की अभी सर। अच्छा हम सिचुएशन दे दें तुझे। जी सर। बारिश हो रही है। जी सर। अब बारिश में एक हीरोइन को तू जबरदस्ती लेके जाएगा। जी सर। ये हीरोइन है जिस पे तू बैठा है। जी सर। उठा ले। बारिश हो रही है, जबरदस्ती लेके जाना है, एक्टिंग करनी है तुझे। जी सर। चलो चलो यहां से, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ जिंदगी में, चलो। अच्छा चल एक मिनट है तेरे पास, ये कैमरा, इसमें देख के कुछ ऐसी बात कर दे कि यहां से अगर तू रिजेक्ट भी हो जाए तो लोग तुझे याद रखें। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज, कुछ तो सोचा होगा ना तूने? सर अभी तो ऐसा कुछ ध्यान में नहीं आ रहा सर, नर्वस भी हूं थोड़ा। बोरियत है आप में, बहुत बहुत बोरियत है। आखिरी मौका है आपके पास, कुछ ऐसा आपने करना है कि लगे कि यार आपके अंदर ना बहुत एंटरटेनमेंट है, ये जितने लोग बैठे हैं हंस पड़े। जहन में नहीं आ रहा कुछ अभी सर। कोई टास्क कर सकते हो, डेयर कर सकते हो? बता दें सर कुछ। सर केवल खड़े हो जाओ, एक मिनट तक खड़े होकर सिलेक्शन हो जाएगी। कोशिश की है सर, बस और नहीं करनी। सर रोल कर सकता हूँ, फ्रंट रोल और रिवर्सल रोल? सर के बल एक मिनट खड़े हो जाओ, सिलेक्शन हो जाएगी, इसके अलावा और चांस नहीं। अगर पहले इंटरटेनिंग होते तो पहले कर देता। कर सकते हो या नहीं कर सकते? कोशिश करता हूँ सर, दीवार के साथ भी खड़ा हो। दीवार क्या, पाऊँ अगर दीवार के साथ लग जाए तो सर हो सकता है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम कार भाई। वालेकुम सलाम, बैठे। थैंक यू। ये क्या हुआ हाथ पे? पैदाइशी है। याया किस तरह जिंदगी गुजारते हैं? अच्छी है। मजे किया? जी मजे किया। यहाँ का कैसे पता चला आपको? मैंने आपके फेसबुक पे देखा था, आपने वीडियो डाली थी कि चैंपियंस में आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये नया शो है, डेयर भी होना चाहिए लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस भी बहुत है और डेयर भी जो मिलेगा वो करूँगा इंशाल्लाह। आप ज़िंदगी में क्या करते हैं, वालदैन क्या करते हैं आपके? वालदैन तो कुछ भी नहीं करते, भाई करते हैं, और मैं पढ़ रहा हूँ आई टी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। आई टी इंजीनियरिंग की तरफ कैसे गए आप? ये भाई वगैरह ने कहा था कि कंप्यूटर चलाने का ज़्यादा शौक है, अच्छे से चला लेता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में मेरा शौक है, तो भाई ने बोला जब आपका शौक है कंप्यूटर भी सही चला ले तो राइटिंग का कोई मसला नहीं होता उसमें, तो आप उसमें जाओ, तो उसमें गए सर। ज़बरदस्त यार, तो आगे क्या बनना चाहते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा इंशाल्लाह। कभी ये आपकी ज़िंदगी में कमजोरी हायल तो नहीं हुई? नहीं नहीं कभी। तो लिखते कैसे हो? हाथों से लिखता हूँ, ये फॉर्म भी मैंने खुद फिल किया है। ज़बरदस्त फिल किया भाई यार ये आपने। आप ISI के लिए काम करना चाहते हैं? जी। ये कैसे शौक हुआ? बस शौक है बचपन से कि कोई डेयरिंग काम जैसे होता है ISI में, वो जो एक काम करते हैं उनकी तरह काम करना चाहता हूँ। कुछ चैलेंज आपने सोचा हुआ है? नहीं कुछ, क्योंकि चैलेंज तो आप ऑलरेडी कर रहे थे, तो बाकी किस तरह से आप चलेंगे आगे ज़िंदगी में? ये शो जो है ये तो बहुत छोटा है आपके लिए यार, आप तो ऑलरेडी बहुत हिम्मत वाले हो। नहीं लेकिन इस शो में आना मेरा शौक है बचपन से। तुम वैसे ही बड़े हिम्मत वाले हो यार, इधर आओ। माथेलो से। कैसे आए यहाँ पे? कैसे मतलब? ट्रेन से आए हो, कैसे आए? बस से आया। कितना खर्चा हुआ? खर्चा अभी तक नहीं हुआ। मुफ्त में आयो? जी सर। बस पे मुफ्त पे आयो? जी। कैसे? अपनी बसें हैं सर। क्यों आना चाहते हैं आप इस शो में? फैन हूँ आपका, बड़ा फैन हूँ, शो का बड़ा फैन हूँ। शादी हुई भी आपकी? जी। कितनी? एक साल हुआ। कितनी शादियाँ हुई हैं? एक है। लव मैरिज है? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। खुश हैं आप? जी जी। भाभी खुश हैं आपसे? बिल्कुल। कैसे पता? खुश हैं उनसे। मारते हैं आप बीवी को? नो सर। आपने ऐसा डांस करना ये हंस पड़े? अच्छा और कुछ नहीं कर सकते। फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है? चलो कर सकते। इधर मेन्यू दें आपको? नो नो करते हैं। करें। ओ भाई क्या हो रहा है, खाली हो जाए सर।
हंस रहे। रुके क्यों फिर? आपने थोड़ी रुकना है। आपने बोला है हंस रहे। आपने रुकना नहीं था ना? सही। चलिए यहाँ खड़े हो जाओ, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है जी। सामने देखना है और कहीं नहीं देखना, वहां देखना उस कैमरे में, ठीक है? कहीं भी और नहीं देखना आपने। अब्दुल वही साहब मुड़े तो सजा मिलेगी, कुछ भी हो जाए देखना वहां है, ठीक है? सही है। इनके लिए मिर्चे ला दो। मैं ये चैलेंज इसलिए करवा रहा हूं कि आप खुद करना चाहते, मैं नहीं करवा। इधर क्यों देखा? एक बंदा आ जाए वहां से कोई जिसका हाथ बड़ा अच्छा हो। आपने कहीं देखना नहीं है, ठीक है? जहां आप खड़े हिलना नहीं चाहिए आप। आपने इनके पीछे इतनी जोर से हाथ मारना है कि ये हिल जाए। यहां क्यों मुड़े भाई? मारो। हिलना नहीं है, ठीक है? मारो। अबे भाई हिलना नहीं है ना, फिर हिल गए आप। मिर्चे खानी है ना आपने? जी। कितनी खानी भाई? आपने एक मिनट में जितनी खाएंगे उससे ज्यादा ये इन्होंने खा ली तो ये जीत जाएंगे, ठीक है जी भाई? गो। आखिरी 30 सेकंड है आपके पास, जो दोगे आप में वो मैं कर लूंगा। आप डेर दोगे मैं डेर भी, डेर भी जो मिलेगा वो करूंगा इंशाल्लाह। पंद्रह सेकंड। ख्वाहिश पूरी की है मैंने आपकी सिर्फ, ताकि आपको ये ना लगे कि हाथ देखकर मैंने आपको जानबूझ के चैलेंज दिया। सही है, तबीयत ठीक है अभी? अब्दुल वहीद फिर मुड़ गए, मारो। अब्दुल वहीद जी सर। मिर्चें खानी है ज्यादा, कितनी खानी होंगी? उससे एक एक ज्यादा खानी। अब्दुल वहीद 1 मिनट और 9 मिर्चें खानी है, ठीक है? ठीक है। उठाएं। 1 मिनट 9 मिर्चें ना खा सको तो घर निकलो। ये लो, कितनी खाई आपने? कितनी खाई? 9 से ऊपर खाई। 9 से ऊपर खाई है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किसका नाम है? याया। याया की सिलेक्शन हो गई है भाई। थैंक यू भाई। 26 का सेल्फी लेनी है। हाँ ले ले सेल्फी। कहाँ है मोबाइल दिखाओ, लाओ मैं ले। 9 से ऊपर खाई है। आ जाओ। आ जाओ आप। बस बस और क्या क्या होना चाहिए सर? ऊपर तो खाएंगे। आ जाओ सर। पहले आपने डेयर दिया वो भी किया उसके बाद। अरे मेरे भाई आ जाओ सर। थैंक यू भाई। आपको बना आपको बताएंगे, एक आध हफ्ते के बाद होगा, आराम से घर पे बैठे। एक दो हफ्ते बाद कॉल आएगा। प्लीज। अल्लाह हाफिज। मेरा नाम मोहम्मद याहिया है, मैं कराची से हूँ और मैं वकार भाई के शो में आया था। वकार भाई ने मुझे बोला कि आप जो डेयर बोलोगे मैं आपसे वो करवाऊंगा, तो मैंने बोला था भाई मैं मिर्चें खाऊंगा आप जितनी बोलोगे। भाई ने बोला आप 1 मिनट में जितनी खा सकते हो उतनी खाओ, तो मैंने 1 मिनट में 8 मिर्चें खाई हैं पूरी। तो भाई ने मेरे को सेलेक्ट कर लिया है। वकार भाई का रवैया जैसे लोग बोलते हैं कि सही नहीं है सही नहीं है, लेकिन उनसे आप तमीज़ से बात करोगे, सही बात करोगे और प्रॉपर जवाब दोगे तो वो आपसे बिल्कुल तमीज़ से और सही सही बात करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और मैं बहुत खुश हूँ मैं सेलेक्ट हो गया हूँ चैम्पियंस। थैंक यू। सलामुअलैकुम जी। रजा जी सर। बदीन से ताल्लुक है आपका? जी सर। ये क्या लाए हैं? सर अजरक लाए हैं आपके लिए। अरे लाए। अब इस अजरक की लाज भी रखनी है सर, कुछ करके दिखाना है। जी सर। ये सब हंसने चाहिए, कुछ ऐसा करना है आपने, ठीक? 1 मिनट है।
एक पठान था, सिगरेट लेने गया केबिन के पे, केबिन पे, तो उसने सिगरेट ली तो उस पर लिखा हुआ था कि तंबाकू नोशी करने से मर्दाना कमज़ोरी होती है। तो वो वापस गया उस दुकानदार के पास और बोला, मना ये हमको मर्दाना कमज़ोरी वाली क्यों दी है, वो कैंसर वाला दो ना। या किसी के चेहरे पे तेरे को हंसी नज़र आ रही है? क्या हिम्मत वाला कर सकते हो भाई? सर मैं डॉक्टर आयशा जो बैठ जा। हाँ क्या डॉक्टर आयशा, नाक में सांप मुंह से लाओ भाई, नाक में सांप मुंह से निकालना है भाई ने, ठीक है? 100% ट्राई करूंगा। किया भाई ट्राई? नहीं, बहुत कोशिश की लेकिन मिला नहीं सांप। सांप नहीं मिला? तो आपको ये लगता है कि नाक में सांप डाल के मुंह से निकाल सकते हैं आप? जी सर। और ये नहीं हुआ तो खुद ही चले जाओगे? सर 100% पूरी खुद ही मांगा है आपने ना? चला जाऊंगा, ठीक है 100% दूंगा अपना। पकड़, गिरना नहीं चाहिए, चलो आराम से पकड़ो, मरना भी नहीं चाहिए। नहीं भरेगा। चल भाई इतना टाइम नहीं है, इतनी देर में तो दो सांप डाल ले बंदा। आंखों से पानी नहीं निकलना चाहिए, अगर सांप बाहर आ भी गया आंखों से पानी आया रिजेक्ट। अरे भाई पूरा दिन नहीं है हमारे पास, इतनी देर में तो आयशा दो बार डाल लेती सांप। चल भाई आखिरी 10 सेकंड है तेरे पास, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। क्या करेंगी आप? एक बार वो काम मैं करूंगी फिर बार बार आप करेंगे। क्या? लेकिन आप ये साबित कर सकती हैं कि ये जो प्लेयर आपने बताए हैं तो ये और लड़कियों के साथ भी कर रहे हैं? विदाउट प्रूफ तो कोई बात नहीं होती ना। और एविडेंस नहीं हुआ तो फिर बहुत बेइज्जती होगी। आपने क्यों बोला 10 और सेकंड होंगे? चलो मैं ऐसा डेयर कर सकती हूँ जो आपके शो में कभी किसी ने नहीं। क्या ऐसा क्या होगा जो कभी भी नहीं हुआ होगा? आप बेड मंगा दो, बिस्तर। जी बिस्तर, बिस्तर लगवाओ। यहाँ आपका किसी भी वजह से मूड ऑफ है तो फिर आप ऑडिशन मत लो। करें इजाजत है? जी जी बिल्कुल। कब्र के अंदर बड़ा अंधेरा। Champions. चल भाई आखिरी 10 सेकंड है तेरे पास, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 निकाल ले। ये जो चैलेंज है, जी सर, तूने खुद सोचा? जी सर। अगर ये नहीं सोचता मेरे तो जहन में भी नहीं था ये चैलेंज। भाई इंटरटेनिंग 0, डेयर में 0। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम लिखा है आपने? कश्यप अंसारी। ब्यूटिशियन है आप? जी। क्यों आना है भाई आपको इस शो में? क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि मैं बहुत इंटरटेनिंग हूँ, मतलब मैं हंसाती हूँ। आप एंटरटेनमेंट है? मतलब वो कहते हैं कि मैं साथ होती हूँ तो मैं हंसाती बहुत हूँ, और इसके अलावा मुझे एक्टिंग का भी शौक है, और मतलब मुझे थोड़ी सी मैं अभी नर्वस भी हो रही हूँ।
क्या लिखा है आपने? मैंने एक गाड़ी वाले का शीशा तोड़ दिया था। अपने जो है स्कूल से निकल रही थी तो जो है मतलब मैं अकेले जाती थी, मतलब कि जो है मेरे बाबा खुद टीचर हैं, तो जो है फिर एक गाड़ी वाला मेरे पीछे पीछे आया। फिर मैं जो है इंटर हो गई, फेयरवेल हो रहा था, मैं किसी काम के लिए गई थी, अपने मतलब कि कुछ लेने के लिए गई थी, मार्कशीट वगैरह। तो फिर जब मैं वापस बाहर निकली तो वो फिर वापस वहीं पर ही खड़ा था, मतलब मुझे 15 मिनट लगे होंगे अंदर। फिर जब मैं बाहर निकली तो वो वापस गाड़ी घुमा के मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैं उस वक्त थोड़ा घबरा गई, ऐसे करके इशारे कर रहा हूँ, गाड़ी में आए आके बैठे हैं, मतलब क्या मतलब वो बहुत अजीब से इशारे कर रहा था मुझे। ये कैमरा इसके अंदर बताएं जरा क्या इशारे कर रहा था? गाड़ी में आके बैठ रही हो, आ जाओ यार, आ जाओ, पैसे वैसे दे दूंगा, आ जाओ ना, बस थोड़े टाइम का, थोड़े काम, थोड़ी सी देर का काम है। जब वो मेरे करीब आया तो मैं थोड़ा सा आगे गई, तो जब मैं आगे गई तो मैंने इधर उधर देखा, मतलब हलवा पूरी की शॉप आ गई थी उधर करीब में। तो फिर जो है मैं देख के थोड़ा सा रिलैक्स हुई कि शॉप आ गई। फिर मैंने जो है वो एकदम से उसने गाड़ी घुमा ली, फिर मैं वापस रोड की तरफ निकली। जब मैंने वो गली के अंदर चला गया था, फिर वो वापस आया। फिर आने के बाद जो उसने अपने हाई रूफ का पीछे का गेट खोल दिया तो मैं और डर गई। वो समझ रहा था कि मैं जो है कोई ऐसी वैसी हूँ और मैं बैठ जाऊँगी। मतलब आजकल की जो लेड मतलब की औरतें हैं वो रोड्स पे खड़ी हुई होती हैं, मैंने बहुत दफ़ा देखा है, मतलब वो बैठ जाती हैं, कोई भी गाड़ी वाला आके रुकता, क्योंकि आजकल जो लोगों को मौका मिला हुआ है वो इस वजह मिला हुआ है, वो औरत के आगे आके गाड़ी क्यों रोकते हैं, इसलिए रोकते हैं क्योंकि औरतें बैठ जाती हैं उनकी गाड़ी में आराम से ईजीली, क्योंकि हमने खुद ये चीज़ देखी है। हम जब खड़े हुए होते हैं तो औरतें, वो गाड़ी वाला अनजान आ रहा है और बैठ गई, बहुत सी जगहों पर सन्नाटे वाली वहाँ पे औरत खड़ी हुई, बाइक वाला रुका, और लेकिन हमें नहीं पता कि वो औरत कैसी है, उसकी क्या मजबूरी है, लेकिन जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रही हूँ। लड़कियों की गलती है इसमें? लड़कियों की भी गलती है, मतलब जो मजबूर होती हैं आके रुक जाते हैं। लड़कियों की गलती कैसे है? बार बार बंदा ऑफर मारेगा, ऑफर मारने वाली की गलती है, लड़की गलती है? आपको लगता है आप औरत होके, लड़की होके, लड़की जात को कह रही है कि ऐसी वैसी लड़कियां जो हैं उनकी वजह से लोग रुकते हैं? अगर ये लड़कियां नहीं भी बैठे लोग ऑफर मारना छोड़ देंगे? नहीं, वो तो करने वाला तो फिर करेगा ही, लेकिन तो लड़की गलती कैसे हो गई? जो आपको लगता है क्योंकि वो दो तीन जो बैठ जाती हैं इसकी वजह से सारे लड़... यही तो बताना चाह रही हूँ कि दो तीन की वजह से जो निकलती है ना उनको भी गलत नजर से देखा जाता है, और फिर वो गाड़ी वाले फिर रुकते हैं जिनको मिल जाती होंगी पहले, तो वो फिर दोबारा वही काम करते हैं। नहीं तो क्यों आपको लगता है नहीं गाड़ी वाले को रोकना चाहिए? गाड़ी वाले को रोकना चाहिए तो उसको तो आपने कुछ नहीं बोला, आपने तो बोला कि नहीं लड़कियों की गलती है। जब मैंने ये एक दफा हरकत करी थी, मतलब मेरे मामू ने मुझे ये बात समझाई हुई थी कि अगर तुम किसी भी गाड़ी वाले को देखो कोई ऐसी हरकत कर रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, उस वक्त तो मैं डर गई थी। फिर मेरे मामू की बात मेरे जहन में आई कि उन्होंने कहा था उसका फ्रंट शीशा तोड़ देना, कि उस मारने के बाद मैं खुद बहुत डर गई। फिर उसके बाद लोग जमा हो गए, जब लोग जमा हुए तो वो मुझे पर इल्ज़ाम लगाने लग गया कि जो है ये बोल रही थी कि मुझे गाड़ी में बिठाओ और मैंने मना करा तो इसने जो है मेरा फ्रंट शीशा तोड़ दिया, तो एकदम मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा ये झूठ बोला, और वो इतनी एज का आदमी था कि मैं देख के हैरान थी कि मतलब इतनी एज के आदमी भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। बॉयफ्रेंड है आपका? बॉयफ्रेंड नहीं है। कभी नहीं बनाया, किसी ने ऑफर नहीं मारी? बॉयफ्रेंड बना है। फिर कैसे टूट गई? क्योंकि मैं शायद हेल्दी हूँ, इस वजह से उसकी फैमिली नहीं मानी। प्यार उसने शुरू किया था? उसने मतलब कैसे प्यार हुआ था? अच्छा हुआ क्या था मैं जानना चाहता हूँ, कभी आपके वेट की वजह से तो नहीं कोई रिजेक्ट कर सकता? वेट की वजह से ही हुआ था, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे, मतलब देखिए जिंदगी में ना आपको अपने हर डर को ओवरकम करना है, तो अगर आप इस डर को ओवरकम नहीं करेंगे यहाँ वीक हो जाएंगी, तो हमेशा के लिए वीक हो जाएंगी आप। मैं वीक नहीं हूँ। हुआ ये था कि जो है उसके मतलब उसके दोस्तों मतलब ग्रुप्स में बात होती थी हमारी फेसबुक पे, तो मतलब वो 5 दोस्त थे, और जो उसका पहले वाला दोस्त था ना वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था, तो मेरी उससे काफ़ी अच्छी बात मतलब हो गई थी। फिर उसके बाद जो है उसने उसको मतलब मैंने उससे बातचीत जो है ख़त्म कर दी थी। फिर उसने जो है एकदम मतलब मेरी उस लड़के से बात हो गई थी जो मतलब मेरा बॉयफ्रेंड बना था, बाकी मैंने सबसे बातचीत वगैरह ख़त्म कर दी थी, ग्रुप्स वगैरह में हमारी बात होती थी। तो उसने एक दफ़ा कहा कि ना मुझे ना तुम्हारी मम्मा से बात करनी है,
तो मैंने कहा अच्छा, तो मतलब मैं जब भी FB यूज़ करती थी ना, ये मेरे ख्याल से इस बात को 4 साल हो गए, 4-5 साल, जब भी मैं FB यूज़ करती थी तो मतलब मेरी मम्मा ना मेरे साथ बैठती थी, क्योंकि ना वो मुझे मोबाइल भी नहीं देती थी, वो बहुत डरती थी क्योंकि मतलब उन्होंने 2 से 3 बार देखा था कि वो मेरे साथ बैठी हुई थी ना, तो ग्रुप्स में जो है अजीब से जैसे लोग कमेंट्स में अजीब सी पिक्चर्स भेज देते हैं। ऐसे ग्रुप में आप क्या कर रही थी फिर? तो वो नॉर्मल ग्रुप था, सब लड़कियां थी सब थे, तो ऐसी वैसी पिक्चर क्या होती है फिर? तो एक उसने कमेंट में भेज दिया था, तो मैंने जो है वो ग्रुप मतलब ग्रुप कैसे ज्वाइन किया था आपने? ऐसे जो पहले मैं कंप्यूटर में यूज करती थी, साइट्स में आते हैं ग्रुप्स, तो उसमें मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो इतना अम्मा साथ बैठने के बावजूद भी आपको किसी और से प्यार हो गया था? तो उसने मुझे ये कहा था कि मुझे तुम्हारी मम्मा से बात करनी फिर? है। तो फिर उसने बोला कि जो है मुझे तुम्हारी अम्मा से बात करनी है, मतलब हम लोग की पिक्चर्स मतलब हो गया था, बात हमारी मतलब दो अम्मा से बात कर ली उसने। उसने अम्मा से बात करी, अम्मा से बात करने को बोला कि मतलब मुझे पसंद है और मैं जो है रिश्ता लाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मतलब मम्मा का अपना मोबाइल था, उसके पास नंबर चला गया था, मम्मा से नंबर पर बात होती थी, फिर हमारी स्काइप पर भी रोज़ बात होती थी। फिर 1 साल हो गया था, 1 साल होने के बाद जब टाइम आ गया कि हाँ भेजना चाहिए, मतलब फिर उसने क्या करा, अचानक से न्यू ईयर की रात को मुझे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद जो है मतलब मैं परेशान हो गई, मैं रात में ही रो रही, मेरी उससे बात होने लग गई थी, मतलब मम्मा के फ़ोन पर भी मेरे पास फ़ोन नहीं था उस वक्त ना, तो मम्मा मुझे मना करती थी कि नहीं करो बात, जब वो रिश्ता भेज देगा उसके बाद करना बात। उसने अचानक से मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर मैं 2-3 महीने तक मैं बहुत डिस्टर्ब रही, उसका कोई अता पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। 2 महीने बाद उसने मुझे FB पे से अनब्लॉक करा और मुझे मैसेज करा, और वो बहुत ज़्यादा माफ़िया मांग रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने मुझे ये बोला था कि मैं अम्मी को भेजूंगा, रिश्ता लेके आऊँगा, और उसने मतलब अपनी अम्मी की मुझसे बात कराई थी। और उसके बाद जब उसने मुझे अनब्लॉक किया, फिर दोबारा अपनी अम्मी से बात कराई, उसकी अम्मी ने ये कहा कि जो है क्या कहते हैं बेटा, हम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, मतलब अपनी अम्मी से बात करा रहा है। और मैं शॉक्ड हो गई कि वो मुझसे खुद बात नहीं कर रहा, अपनी अम्मी से बात कर रहा है, और उसकी अम्मी मुझे कह रही है बेटा तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। तो मैं उस वक्त शॉक्ड हो गई कि मैं मतलब मैं क्या पीछे, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, मैं बहुत रो रही थी कि वो किसी तरह मुझे वापस मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी, क्योंकि मेरी लाइफ में कभी ऐसा कोई पार्ट नहीं आया था कि मैं किसी से इतनी अटैच हुई हूँ। उसकी अम्मी ने मुझे बोला कहा बेटा आप लोगों का कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि वो प्यारा था और मैं हेल्दी हूँ, तो उसकी अम्मी ने कहा आप लोग का कोई जोड़ नहीं है। फिर वो लोग दुबई चले गए थे, वहाँ से जब दुबई गए तो फिर जब इंसान यहाँ से यहाँ आता है तो फिर आपको पता है उसके मिजाज बदल जाते हैं। नहीं, कोई भी लड़का अगर आपको इस तरह माफ़ी मांगी, मैंने कहा कि तुमने ऐसा क्यों, कोई ऐसा सोचता है? आप कभी मिली थी उसकी अम्मी से, देखा था? नहीं, उसकी अम्मी से। आपको क्या पता वाकई उसकी अम्मी थी नहीं थी? उसकी अम्मी थी, ये तो 100% श्योर था, क्योंकि उसकी फैमिली, उसकी अम्मी, वो जितना क्लोज आ गया था, मतलब सुबह दिन रात हमारी बात होती थी, क्योंकि उस वक्त मैं घर में होती थी, मैं जॉब नहीं करती थी, हमारी दिन रात बात होती थी वीडियो कॉल्स पे, अम्मी क्या कर रही हैं, मेरे घर में क्या हो रहा है, इस तरह बात होती थी। स्काइप पे, उस वक्त व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स वगैरह नहीं होती थी। आपको रिग्रेट होती है कि उससे छोड़ दिया आपको, या आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि उसने मतलब, मैं अब सोचती हूँ ये चीज़ कि उसने अच्छा ही किया कि मुझे छोड़ दिया, क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया तो मुझे आगे आने का मौका मिला। मैंने अपनी लाइफ में मैंने मतलब कोर्सेज करे, मैंने बहुत स्ट्रगल करी, मैं ब्यूटिशियन बनी। फिर उसके बाद जो है मैं मतलब मेरे मम्मा पापा मुझे मतलब नहीं रखते इतना ज़्यादा कि मुझे, मैं जो बोलती हूँ मेरी सुनते हैं, और मेरे बाबा तो बहुत अच्छे, वो कहते हैं मेरी बेटी आगे जाए। तो मेरी मम्मा मुझे खुद यहाँ पे लेके आई हैं, हम काफ़ी टाइम से यहाँ पर हैं, हम इतनी देर से हम यहाँ पर हैं, मतलब मेरी मम्मा कब से बाहर बैठी हुई, मुझे वो हो रहा था कि मैं मम्मा कब से मेरे मतलब मेरी वजह से मेरी मम्मा इतना वो कर रही हैं, बाहर बैठी हुई हैं, मैं तो फिर भी अंदर हूँ। हमें अच्छा लगा, हम शो में ऐसे लोगों को लेना चाहते हैं जो रियल में अपनी असल बात बताने की हिम्मत रखते हैं। आपने हिम्मत दिखाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 20% सिलेक्शन हुई भी आपकी, अब एंटरटेनिंग होनी चाहिए, या तो हंसाओ सबको यहाँ पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अम्मी जान, इस गंजे ब्लॉग की शादी करा रही है, हम के यहाँ पकौड़े खा लेंगे। कोई भी असर हो क्या कर सकती हैं आप, खुद बताएंगी या मैं चैलेंज दूँ? आप दे दे चैलेंज। लाओ भाई, क्या चीज है आपके पास? मिर्च है। खा लोगी आराम से ना? आसान है, जिंदगी में हमेशा कन्विंस करना आना चाहिए। कन्विंस समझते हो क्या होता है? हाँ। क्या होता है? किसी को भी कन्विंस करना कि मतलब वो मेरी बात मान ले। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से कोई एक खुद ही सिलेक्ट कर लो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बोलने पे 10 मिर्चें खा लेगा, कोई भी एक, कैमरामैन,
वो जो बैठे हुए वो कैब वाले, प्लीज आ जाए खा ले प्लीज। जी किनको बुलाना है इनमें से? वो शर्ट का कलर ब्लू है, मतलब चेक वाली शर्ट है। आ जाए। आपके पास एक मिनट है, आपने अगर कन्विंस कर लिया तो ये हो जाएगा। प्लीज खा रहे, खा लेना, थोड़ी सी मिर्ची लगेंगी। एक आध मेरा चोदी तो मैं खा लेता, 10 मिनट में खा ले। तो कोशिश तो कर, कोशिश करने से कोई बंदा, अगर आप मेरा साथ देंगे तो क्या पता आगे अगर आप कुछ करें तो कोई आपका साथ दे दे, क्या पता आप भी किसी मोड़ पे इस तरह खड़े हुए हो तो आपका कोई साथ दे दे। रख दो, मेहमान आए, मेहमान के लिए आप चीज लाइए और खिलाना। अगर आप भी आगे किसी मोड़ पे होंगे तो, अगर आप किसी को बोलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी कोई बात मानेगा। आपको लगभग बहुत सारी तरक्की दे, मिर्चे बहुत ज्यादा है, कम तो करना। अच्छा सिर्फ आप ये छोड़ देना, आप ये सोचे कि अगर आप कभी इस मोड़ पे खड़े हो कि आपका मतलब आपको सिलेक्शन मिल रही हो और आपको मतलब उनको फोर्स करना, आप ये सोच लें थोड़ा सा माइंड में। 1 2 3 4 भाई थोड़ी सी कम कर दे। आपने कुछ उससे पूछा नहीं क्या करता है जिंदगी में? कुछ नहीं, बस अपने काम पे डायरेक्ट आ गए। तुम कर भी सकते हो, उसको अल्सर तो नहीं है? आप कर सकते, आप उन्होंने पहले ही बता दिया मैं मिर्चे नहीं खाता ज्यादा। तो ये किसको पूछना चाहिए था वहां से बुलाने से पहले? तो मैंने तो नहीं कहा था, मुझे ऐसा लगा था ये कर लेंगे। आपका टाइम चल रहा है, 30 सेकंड रह गए, नहीं हुए 10 मिर्चे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। 10 ने खा ली तो सिलेक्शन हो गई। खा ले प्लीज, आप भी कभी टाइम पे खड़े होंगे खा ले प्लीज, मुझे लगता है आप कर लेंगे प्लीज, खा ले निकल ले प्लीज, खा ले नहीं होगा कुछ प्लीज, खा ले खा ले प्लीज खा ले। अब अगर इसने एक मिनट में खा ली तो आपकी ये सिलेक्शन हो गई, अगर नहीं खाई तो ये मैं वापस रख दूंगा और आपको ऐसी अम्मी को जाके बताना पड़ेगा कि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। जिंदगी में एक ही मौका मिलता है, इतने सारे लोगों में से आपने इन्हें बुला लिया, वो खा ना सका तो मुझे इनसे उम्मीद थी जब भी मैंने इनको बुलाया। कैसे पता चला इनसे आपको कि ये खा लेगा? इनसे उम्मीद कैसे हो गई आपको? बस मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कर लेंगे, बाकी नाकारा लग रहे थे वो, बहुत स्टाइलिश टाइप लग रहे थे तो मैंने कहा शायद मतलब जो लड़के थोड़ा सा एटीट्यूड में थोड़ा होते ना तो वो, क्योंकि मैं लड़कियों में देखा क्योंकि लड़कियां बहुत एटीट्यूड में होती है तो वो तो बात तक नहीं करती, तो मैंने कहा अगर मैंने किसी को बुला लिया तो वो तो सुनेगा भी नहीं मेरी कोई, तो ये सीधे साधे से लग रहे थे। उसे हाल हवाल तो पूछ लो उससे, पानी पिलाओ, पानी दे तो इनको, मर्जी है पानी दे दे मुझे। आंखें लाल हो गई आपकी, आप तुमने क्यों खा लिया? तो वकार भाई आपने सेलेक्ट कर लिया ना उनको? मैंने तो नहीं किया अभी तक सेलेक्ट, आप कह रहे थे आप खा लोगे तो मैं नहीं करूंगा, तो अब आपकी मर्जी है। क्या इसकी बात ऐसी लगी जिसकी उसे कर लिया तूने सेलेक्शन? क्योंकि मैं तुझे नहीं जानता इसलिए समझना चाह रहा हूँ। मतलब एक रिस्पेक्ट भी होती किसी, अगर किसी ने 10 के बीच में मुझ पर भरोसा करा तो मैं मतलब उसका भरोसा कामयाब कर दिया। अभी कैसी फीलिंग आ रही है आपको? जलन हो रही है सीने में। देखो तुम्हारी वजह से उसने मिर्चे खा ली, तो मैंने इन पे भरोसा भी इसलिए रखा था क्योंकि मुझे लग रहा था ये कर लेंगे। ये यहाँ रख दो, बैठो। सत्यानाश करा दी तुमने हमारे कैमरामैन का। I'm sorry. तुम मना भी कर सकती थी मुझे, तुम बोलती भाई मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकती, मैं तो ये चेक कर रहा था क्या तुम अपना काम निकलवाने के लिए किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर सकती। ज्यादती कर दी तुमने, लड़की की बात कौन माना करता है? तुम किसी को भी बुलाती सब कह देते हाँ कर लेते हैं, आजकल नहीं करता। आपका चैलेंज ये था, आपको ये बोलना चाहिए था मैं नहीं किसी के साथ ज्यादती करती, तो अब फिर होती आपकी सिलेक्शन। आपने अपने काम के लिए ज्यादती कर दी उसके साथ। कभी ऐसा होगा कि ये कभी ऐसी जगह पे खड़े होंगे कोई मुझे कैसे पता चलेगा ये किसी मोड़ पे खड़ा है? अल्लाह पाक जो होते हैं ना अल्लाह। अबे भाई तुम कहाँ खड़ी होगी, इमोशनल बातें नहीं करो, तुम्हें कैसे पता चलेगा इसको मदद चाहिए इसे अपने गाड़ी का टायर चेंज करवाना हो कर दोगी जाके? नहीं तो मुझे पता ही नहीं होगा तो टायर कैसे चेंज करूंगी, हाँ बाइक चलानी आती है पहुंच जाऊंगी लेके। वाओ चले आज हैं आप असल में स्वीट टाइप की ना बड़ी, इसलिए आपकी बात हर कोई सुन लेता है।
ये ले सिलेक्शन हो गया। थैंक यू वकार भाई, थैंक यू सो मच वकार भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कश्यप है और मैं कराची से ब्लॉग करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। खा ली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो खाएंगे, मुझे लग रहे थे खा लेंगे, लेकिन वो जब ना ना कर रहे थे तो मैंने बोला बस मैं नहीं हो सकती सिलेक्ट, बट उन्होंने खा ली और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच मकसूद, थैंक यू। लेकिन आप ये साबित कर सकती हैं कि ये जो प्लेयर आपने बताए हैं तो ये और लड़कियों के साथ भी कर रहे हैं? विदाउट प्रूफ तो कोई बात नहीं होती ना, और एविडेंस नहीं हुआ तो फिर बहुत बेइज्जती होगी। दस सेकंड हो गए। आपने क्यों बोला 10 और सेकंड होंगे? चलो आपका किसी भी वजह से मूड ऑफ है तो फिर आप ऑडिशन मत लो। करें इजाजत है? जी जी बिल्कुल। जी हमाद अली खान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने बताया है कि आपने अपना हाथ काटा हुआ है, जी इसके बारे में थोड़ा बताएं। I was in love with someone। उर्दू में बात करेंगे। हाँ जी, तो आपने खुदकुशी की हुई है? जी। किस उम्र में की थी? 10वीं क्लास में था। शुरू से सोचता बहुत ज़्यादा हूँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचता हूँ या अपनी तरफ से सिचुएशंस क्रिएट कर लेता हूँ अपने माइंड में, जो जिनका कोई वजूद ही नहीं होता, वो इस तरह की फजूल हरकतों में जो है लेके जाती है। मेरे घर में सिर्फ मेरी वालदा को और मेरे बड़े भाई को पता है कि जो इंसिडेंट पेश आया था, ऐसा मतलब बच गया था। उसके बाद मैंने एक मरतबा अपने हाथों को कट्स दिए थे, कटर, मेरे पास पिक्चर है फ़ोन में, और हाथों पे मार्क्स भी मौजूद हैं। किस एज में हाथ काटा था और वजह क्या थी? लड़की, पैसा, फेम? तकरीबन 8 माह हो गए, और लड़की थी, दोनों एक दूसरे से बात करते थे, मोहब्बत भी करते थे, पर शायद उसको कुछ वक्त बाद ऐसा लगा कि अब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं पॉसिबल, लेकिन मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा दीवाना सा था तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने हर कोशिश करके देख ली थी, तो मुझे एंड में मुझे लगा कि बस अब यही बचा है तो शायद। तो खुदकुशी का तरीका क्या था? इससे पहले, इस वाक़े से पहले मैंने ब्लीच पी थी एक मरतबा, तो बच गया था, लेकिन इंस्टेंटली मेरी मदर ने सरसों का तेल पिला दिया था जिसकी वजह से मुझे उल्टियाँ हो गई थी उसी वक्त। ये पहली दफ़ा खुदकुशी हो गई? ये पहली मरतबा हुई थी। सेकंड लड़की की वजह से थी ये? नहीं, वो इस वजह से नहीं थी। मैं, मेरे वाले साहब, हम छोटे से थे, बड़े ही ऐसे हुए हैं, वो नशा वगैरह करते हैं, और अभी वो 80 दिन रिहेबिलिटेशन सेंटर में रह कर आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हैं। तो थोड़ा बहुत उनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता था, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं सोचता बहुत ज़्यादा हूँ, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करता हूँ, जो नहीं एग्जिस्ट करती उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहा हूँ। तो आगे बढ़े ना, कहानी सुनाए। इस वजह से तो आपने पहली खुदकुशी इसलिए की कि आपके वाले साहब जो है मनुष्यात में है। हाँ। कितने बहन भाई आप? 3, एक छोटी बहन, एक बड़ा भाई है मेरा, और वालदा गवर्नमेंट टीचर है। अब उसके बाद जो है दूसरी खुदकुशी की नौबत इसलिए आई कि आपको एक लड़की पसंद थी, उसने आपको थोड़े से अफेयर चला के मना कर दिया। उसने मना कैसे किया आपको? बस के हम लोगों के बीच में अब कुछ पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं। मारते थे आप उसे? नहीं, बदतमीजी। हम लोग नहीं, हम लोग अक्सर औकात मिलते थे, इतना ज़्यादा मुलाकात भी नहीं थी, ज़्यादातर बातचीत हमारी मैसेजेस की हद तक थी। एक ऐसी लड़की जिससे मुलाकात भी नहीं है, लेकिन मिली कहाँ थी वो आपको? मेरे घर के पास रहती थी। घर के पास थी, और उसके बाद आप उसकी शादी वादी हो गई कहीं? नहीं। आप पैसे कितने कमाते हैं? तकरीबन 20 से 25 हज़ार। क्या करते हैं? ट्यूशन्स देता हूँ। उसके साथ जब आपका अफेयर चला तो शादी करने की कोशिश के लिए आपने रिश्ता भेजा, क्या किया? नहीं, वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थी, तो मुझे रुकना पड़ा। ठीक है, तो उसने शुरू में रोक दिया, ये कौन सा रिश्ता हुआ था, तो इतनी प्रॉब्लम क्या थी? नहीं, तकरीबन मैं 3 साल से बात कर रहा था, तो मेरे लिए थोड़ी बड़ी बात थी। अब कहाँ है वो?
अकेले अपने घर में खुश या शायद किसी और के साथ। आपसे अलग होने की वजह क्या होगी? आपकी कोई साइकोटिक नफ्सियाती बिहेवियर भी होगा? मैं बहुत ज़्यादा दीवाना था, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं तो बस पोजेसिव हो जाते थे बहुत ज़्यादा। आप किसी से बात नहीं करते थे? नहीं। आप कहते थे किसी के साथ कोई बात नहीं करोगी, कोई लड़का दोस्त नहीं होगा, छोटे कपड़े ऐसे कपड़े नहीं पहने? इतना ज़्यादा शायद शिद्दत से नहीं, पर हाँ किसी इतनी शिद्दत ही होती है किसी हद तक। कपड़े ऐसे स्लीवलेस नहीं? किसी बोला था आपने? बोला था। फिर आपने ये भी बोला होगा कि जो लड़का है वो कोई आपका दोस्त नहीं होना चाहिए। रात को बात कर रही तो मुझसे बात करोगी, किसी और से नहीं कर सकती। ठीक है, मैं शादी करना चाहता था तो। यानी एक ऐसी लड़की को आप रोक रहे हैं जो अभी ग्रो कर रही है, और आप कह रहे हैं तुम यार किसी से दोस्ती नहीं करोगी, तुम उससे बात नहीं करोगी। आपको पता है किसी भी इंसान को ये अगर बोला जाए जो उसका बाप नहीं है, जो उसकी माँ नहीं है, जिसने उसे बचपन से पाला पोसा नहीं है, जिसने पैसे नहीं दिए, आप उसके पैसे नहीं दे रहे, बचपन से आपने नहीं पाला उसे, 18-19 साल तक जिसने पाला पोसा, जब वो नहीं बोल रहा तो आप कौन होते बोलने वाले? क्या करेंगे आप? एक बार वो काम मैं करूंगी, फिर बार बार आप करेंगे। क्या? लेकिन आप ये साबित कर सकती हैं कि ये जो प्लेयर आपने बताए हैं तो ये और लड़कियों के साथ भी कर रहे हैं? विदाउट प्रूफ तो कोई बात नहीं होती ना। और एविडेंस नहीं हुआ तो फिर बहुत बेइज्जती होगी। दस सेकंड हो गए। आपने क्यों बोला 10 और सेकंड होंगे? चलो मैं ऐसा डेयर कर सकती हूँ जो आपके शो में कभी किसी ने नहीं। क्या ऐसा क्या होगा जो कभी भी नहीं हुआ होगा? आप बेड मंगा दो। बिस्तर? जी बिस्तर। बिस्तर लगवाओ यहाँ। अगर आपका किसी भी वजह से मूड ऑफ है तो फिर आप ऑडिशन मत लो। करें इजाजत है? जी जी बिल्कुल। कब्र के अंदर बड़ा अंधेरा है।